दोस्तों आज हमारे देश को आजाद हुए 74 साल हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को खत्म करके हम आजाद हुए थे। वैसे तो आजादी के बाद भारत के सामने कई सारी चुनौतियां थीं, उन पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी 500 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय करना। उस दौर में रियासतों के विलय का काम देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को सौंपा गया था। धीरे धीरे सभी रियासतें भारत में विलय होती गईं, लेकिन 5 ऐसी रियासतें भी थीं जिन्होंने भारत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। वो रियासतें थी त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर और जूनागढ़ रियासत। आइए जानते हैं कैसे ये रियासतें भारत का हिस्सा बन पाई। नंबर 1, भोपाल रियासत। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला खान ने भारत में अपनी रियासत का विलय करने से इनकार कर दिया था। दरअसल इसके पीछे वजह हमीदुल्ला खान की मुस्लिम लीग के नेताओं के करीबी थी। वो भोपाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन भौगोलिक स्थिति और जनता के रुख ने ऐसा नहीं होने दिया। काफी खींचातानी के बाद आखिरकार 1947 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। नंबर 2, त्रावणकोर रियासत। भारत में विलय से इनकार करने वाली सबसे पहली रियासत त्रावणकोर रियासत थी। इस रियासत के दीवान और वकील सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने विलय के मुद्दे से हाथ पीछे खींच लिए थे। इतिहासकारों का मानना है कि विलय ना करने की सलाह अय्यर को मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। हालांकि कहा यह भी जाता है कि सीपी रामास्वामी अय्यर ने ब्रिटिशों से गुप्त समझौता कर रखा था। इसके बाद लोगों ने अय्यर के खिलाफ कई प्रदर्शन किए और उन पर जानलेवा हमले भी किए, जिससे वो भारत में विलय होने के लिए तैयार हो गए। 30 जुलाई 1947 को आखिरकार त्रावणकोर भारत का हिस्सा बन गया। नंबर 3, हैदराबाद रियासत। किसी वक्त दुनिया की सबसे अमीर रियासत रही हैदराबाद रियासत का भारत में विलय मुश्किल हालातों में हुआ था। यहाँ के निजाम मीर उस्मान अली चाहते थे कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाए। माउंटबेटन ने निजाम से साफ कह दिया था कि यह संभव नहीं है, लेकिन 1948 में माउंटबेटन के पद के इस्तीफा के बाद भारत सरकार ने इस पर कड़ा कदम उठाया और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोरो के तहत हैदराबाद पहुंची और 4 दिन में निजाम ने हथियार डाल दिए। इस तरह हैदराबाद कड़े संघर्षों के बाद भारत में विलय हुआ। नंबर 4, जूनागढ़ रियासत। कड़ियावाड़ राज्यों में जूनागढ़ सबसे प्रमुख रियासत थी। इसके नवाब मोहम्मद महाबत खजनी थे। भारत ने उन्हें विलय का प्रस्ताव दिया था, वो नहीं माने थे। उस दौर में भारतीय नेताओं ने जूनागढ़ रियासत के खिलाफ कड़े कदम उठाए तो वहां के नवाब पाकिस्तान भाग गए थे। फिर 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ और 91% लोगों ने भारत में शामिल होने की इच्छा जाहिर की और आज जूनागढ़ भारत का हिस्सा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।